का नेता मुस्लिम आ जाए कोई आ जाए मगर मिलेगा भाजपा को वोट, वही व्यक्ति जिसको मिलेगा। मुसलमान आया है, AIM से आया हुआ है ना मुसलमान, उसका उसका कहीं दूर दूर तक पता नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं रहेंगे ना ना। अच्छा हाँ, हरी प्रताप और जो समाजवादी पार्टी सभा में की भाजपा भाजपा सपा का माहौल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। हरी प्रताप 1000% जीते हुए प्रत्याशी हमारे यहाँ के सबसे धक्का नेता है अपने यहाँ के। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यहीं पे कि अगर कोई मुसलमान भी आ जाए तब भी बेगम से उनको देखिए, मुसलमान हिंदू सबसे कोई वास्ता नहीं है, जो काम करता है वही जीतता है। टोटल भाजपा जो माहौल चल रहा है उस माहौल में हमारा प्रताप बहुत सुरक्षित है और उसकी एक वजह है हरी प्रताप, आप समझे, और यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ और जितनी भी कौमें हैं सब सुरक्षित है। अच्छा। और हरी प्रताप जो है मुसलमान हो चाहे जो हो सबके लिए काम करते हैं और वही जीतेंगे। अच्छा। मुसलमानों को और ज्यादा मिलता है, हरी प्रताप का माहौल रहता है और इस बार भी उन्हीं का माहौल रहेगा। हाँ। इसलिए कि वो बेचारे जो हैं हमारे में आके हमसे पूछते हैं, अच्छा बुरी बातों को ख्याल कर रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और उनका भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अगर कहें कि लोग कहते हैं कि जो मुसलमान होते हैं उनका वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, लेकिन प्रताप पर क्या इतिहास बदल, ये सब राजनीतिक है, ये सब कहने वाली बात है। अच्छा। इससे कोई संबंध है नहीं। हाँ। समझे कि नहीं। हाँ। वो आदमी उनके दिल में दोनों के लिए बराबर से वो है, समझे, वो भाई भेदभाव नहीं रखते। हरी प्रताप सिंह है। हाँ। हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, बस समाजवादी कहते हैं समाजवादी पार्टी कुछ भी हो जो हमारे काम करता है जाए तब कुछ भी नहीं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको देखेंगे, कुछ नहीं है, आते हैं हमसे ज्यादा मोहब्बत से बोलते हैं, हाथ धर के जाते हैं, और क्या चाहिए। किसका माहौल है चाचा प्रताप? हरी प्रताप, हरी प्रताप आगे कोई नहीं है। अब पूरा मोहल्ला 10,000 रोड का है, 8,000 इनका पक्का रहता है। अच्छा। हाँ हाँ, यही मामला जीत है। 10 में 8 कंफर्म। 80% लोग देते हैं, क्यों नहीं देंगे? जो हमारा काम हो रहा है, पानी मिल रहा है, सफाई हो रही है, क्यों नहीं देंगे? रहते हैं। हाँ, हम लोग एकदम मिल के रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और प्रतापगढ़ जिले में नगर पालिका के चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियां लगातार अपने वर्चस्व को बनाने के लिए सर जमी पर कदम रख चुकी हैं और पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे की कमियां गिनाते नहीं थक रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मतदाता हैं वो इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं। नगर पालिका में क्या प्रतापगढ़ का वास्तव में विकास हुआ है या नहीं है? नेता तो अपनी गिनाते फिरेंगे लेकिन जनता उनके बारे में क्या सोचती है और क्या राय रखती है, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है उससे आने वाले प्रतापगढ़ का भविष्य रहेगा और प्रतापगढ़ के विकास की नींव रखी जाएगी इस चुनाव में। तो चलिए कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद अंसारी। क्या लगता है किसका माहौल है चाचा, सपा की भाजपा? माहौल के कोई आवश्यकता नहीं। हाँ। किसे वोट करने वाले हैं इस बार? मत अधिकारी छीना जा रहा है, भाजपा राज की हुकूमत में जो है। नसीम जी, क्या लगता है किसका माहौल लग रहा है, भाजपा की सपा? भाजपा टोटल भाजपा। विकास हुआ है कि नहीं? हुआ है। हरी प्रताप जीता है, फिर जीतेगा। हाँ। और जो समाजवादी पार्टी सब हवा में। हाँ। सिर्फ हरी प्रताप है और लगातार उनको जीता है। छठवीं बार होगा। पांच हो चुका है, पांचवी बार छठवीं है। पक्का है उनका जीत? पक्का। विकास हुआ है? हाँ। क्या नाम हो भैया? बजाज दिन सर जी, होगी खत्म। क्या आपकी क्या है विशेष राय भैया, क्या नाम हो साहब? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम साहब, ये बताइए क्या लगता है किसका माहौल है? हमारे जो छोटू भाई बोले वही हकीकत है। हाँ? वही हकीकत है। नहीं, सपा की भाजपा? भाजपा। सपा का माहौल बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं किसी पार्टियों को वोट मत दीजिए क्योंकि वो आपके साथ छलावा करते हैं। नहीं, भाजपा तो काम किया है भाई, हमेशा करता रहता है। जी, पर्सनल हरी प्रताप जो है मुसलमान हो चाहे जो हो सबके लिए काम करते हैं और वही जीतेंगे। मुसलमानों को और ज्यादा मिलता है। भेदभाव नहीं करते हैं? पार्टी से नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, हर प्रताप की बात की जाए तो व्यक्ति विशेष हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं? कुछ नहीं, हरी प्रताप सिर्फ, वो आदमी पार्टी से मतलब नहीं, हम लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है। अच्छा, हरी प्रताप से मतलब है। तो जो उनके विपक्ष में रहेगा क्या लगता है? जैसे ये हवा जो चल रही आंधी, वैसी भी चलेगी। अच्छा, उड़ जाएंगे सब, विपक्ष कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं, उड़ जाएंगे। ये बेगम वार से बोल रहे हैं? हाँ, हम बोल रहे हैं भाई। हर सुख दुख में रहते हैं हरी प्रताप। अच्छा, हर सुख दुख में हरी प्रताप खड़े रहते हैं लोगों के बीच में। और कोई नेता आता है कि नहीं? और कोई नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हरी प्रताप हर समय यहाँ मौजूद मिलते हैं मौके पर, सुख और दुख में सब। अच्छा अच्छा, हाँ चाचा, क्या कहना है, क्या लगता है आपको? अबे एक मिनट, क्या नाम हुआ भाई? मारा नाम चांद। क्या लगता है चांद भाई? हरी प्रताप। हाँ। बाकी सब नेता तो खाली नौटंकी करे आवाज। हाँ।
और सब नेता नौटंकी करने के लिए। हाँ बस और कोई नहीं। आवाज क्या लगता है वास्तव में विकास हुआ है? हरी 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 करते हैं विकास, दुख सुख हर चीज। चाचा है वरिष्ठ है काफी लंबे अरसे से, ये जानते होंगे प्रतापगढ़ की नगर पालिका की राजनीति को। चाचा क्या लगता है किसका माहौल रहेगा इस बार भाजपा की? भाई देखिए यहाँ हमेशा हरी प्रताप का माहौल रहता है और इस बार भी उन्हीं का माहौल रहेगा। इसलिए कि वो बेचारे जो हैं हमारे में आके हमसे पूछते हैं, अच्छा बुरी बातों को ख्याल कर रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हाँ, और उनका भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अगर कहें कि लोग कहते हैं कि जो मुसलमान होते हैं उनका वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ क्या इतिहास बदल? ये सब राजनीतिक है, ये सब कहने वाली बात है। अच्छा, इससे कोई संबंध है नहीं। हाँ, समझे कि नहीं? हाँ, वो आदमी उनके दिल में दोनों के लिए बराबर से वो है, समझे? वो भाई भेदभाव नहीं रखते किसी का। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखते वो ना, और इसीलिए हम लोग चाहते भी हैं उनको। अच्छा, इसीलिए चाहते हैं जी। तो इस बार आप उनके साथ हैं? जी बिल्कुल साथ है, खुल के साथ है। इस बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ भैया? रामेश। क्या लगता है भाई किसका माहौल है प्रतापगढ़ में, बीजेपी का सपा का किसका माहौल है, चुनाव होने वाला है आपके? क्योंकि ये मताधिकार का समय है आपके और इसी से भविष्य में प्रतापगढ़ का निर्माण होगा, विकास का। क्या कहते हैं, किसके साथ हैं आप? देखिए जिसको रब चुनेगा वही आएगा। अच्छा, जिसको रब चुनेगा वही आएगा। जी जी चाचा, पार्टी नगर निकाय चुनाव में हाँ हरि प्रताप को किसी को वोट नहीं दिया जाता, बाकी विधायकी में दूसरी चीज है, व्यक्ति विशेष हरि प्रताप को वोट दिया जाता है। हाँ, पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ, पार्टी विशेष से मतलब नहीं कोई, कोई मतलब नहीं हरि प्रताप निकाय के चुनाव में। अच्छा, बाकी और सब चुनाव में अपना चलता रहता है। चुनाव में सोचते हैं लेकिन निकाय में नहीं, निकाय में नहीं, नगर पालिका के चुनाव में नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते, कुछ नहीं। सिर्फ चाचा है, देखिए बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम छेदी है, छेदी बाबा। छेदी बाबा, हाँ, इसी नाम से प्रचलित है क्या? जी। तो क्या लगता है नगर पालिका में किसका माहौल है, कैसा? या हमारे पड़ोसी अजीत नगर के हरि प्रताप सिंह है, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, बस समाजवादी कहते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ भी हो जो हमारे काम करता है। जी आ जाए तब कुछ भी नहीं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको देखेंगे, कुछ नहीं है। आते हैं हमसे सबसे मोहब्बत से बोलते हैं, हाथ धर के जाते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, मोहब्बत की वजह से वोट कर दे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मोहब्बत। विकास हुआ है? अरे विकास तो हुआ, देखो यार सब हुआ है तो। हाँ, विकास हुआ है मानते हैं? हाँ मानते हैं विकास हुआ है, कहाँ नहीं विकास हुआ है। अच्छा, क्या चाचा क्या लगता है किसके साथ है सपा भाजपा नगर पालिका? भाजपा के साथ नहीं है, हरी के साथ है। अच्छा, सीधी बात है, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसने काम भी किया है। अच्छा, जब चाहे तब जो है मुलाकात भी कर सकते हो। भाजपा साथ नहीं है, हरी के साथ है। अच्छा, भाजपा के साथ नहीं है, हर प्रताप के व्यक्तिगत वजह से आप लोग उनके साथ हैं। विकास किया है कि नहीं? नहीं किया है तभी तो हम लोग कह रहे हैं हरी के साथ है। अच्छा, विकास किया है इसलिए? किया है काम तभी तो जो है उनके फेवर में है हम लोग। और कोई पार्टी का लड़ाई में रहेगा कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। हाँ, वो तो वक्त बताएगा कि कौन लड़ाई में रहेगा। अच्छा, लेकिन वो हर बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे, मतलब कन्फर्म है जी, सुनिश्चित मानते हैं? बिल्कुल पक्की बात है। भाई इस बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई? क्या लग, अरे बोलिए, यहाँ ये युवा है, जब सब बोले ना, जब युवा हरि प्रताप के साथ है। हाँ, तो सब बोले मोहल्ले वाले, अरे सब इनारम कूद जाएंगे तो आप भी कूद जाएंगे, कूद जाएंगे हम भी कूद जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कहना चाहिए, आपका मतलब मोहल्ला वाले जहाँ जा रहे हैं व्यक्तिगत, वो कुछ सोच जा रहे हैं ना हरि प्रताप के पास, हम भी हरि प्रताप को अपना वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी की तरफ से नहीं? हाँ, सिर्फ व्यक्तिगत विभाग की तरफ से, कि वो आ जाते हैं, हम लोग दुख सुख में खड़े रहते हैं। वार्ड में काम किया है कि नहीं? काम हुआ है ना, देखो हमारे लोग तरफ नाली बन गई, रोड बन गया है, और क्या चाहिए। भेदभाव करते हैं कि नहीं प्रताप? क्या वो उनके अंदर नहीं है? हाँ, वो नहीं है, नहीं उनके अंदर नहीं है। और क्या लगता है, कोई पार्टी लड़ाई वड़ाई में रहेगी कि नहीं? अभी तो कोई नहीं लग रहा लड़ाई में। हाँ, अभी बाकी जब चुनाव होगा देखा जाएगा। अच्छा, अभी कोई लड़ाई में? अभी कोई नहीं है, अभी उन्हीं का चल रहा है। मतलब जो आपके दिलों पे राज करने वाले हैं वो कौन है? हरि प्रताप। हाँ, हरि प्रताप। किसका माहौल है चाचा प्रताप? हरि प्रताप, हरि प्रताप आगे कोई नहीं है। अच्छा, देखिए व्यक्ति आदमी बहुत अच्छा है, चेहरा पहचानता है, देख लेता है, और में कोई काम तो नहीं है, और क्या आदमी चाहिए। अरे कमाना खाना हमको है, घर की रोटी मतलब नेता नहीं चला सकता है, केवल प्रेम कुशल से पूछ ले आप कैसे हैं, आप उनसे मिलने जाएं, वो आपसे आसानी से मिल ले, यही बहुत बड़ी बात। अब वो आदमी व्यक्तिगत अच्छा है, हमके निशान से मतलब नहीं है, हमसे आदमी से मतलब है। अच्छा, सपोर्टर और वोटर दोनों एक साथ हो तो वही जीतेगा। अच्छा, हरि प्रताप यहाँ प्लस रहता है, यही निकलता है हमेशा। हाँ हाँ, चाचा क्या कर रहे हैं? छक्का मारेंगे वो, छक्का है उनका। जब बिल्ला पिघड़ा खड़े थे, बिल्ला चौका था, तो अगली बात कर रहे हैं निर्दलीय, तो हमने कहा था भाजपा हारेगी, बिल्ला चौका जीतेगा,
अब पूरा मोहल्ला 10,000 रोड का है, 8,000 इनका पक्का रहता है। अच्छा, हाँ हाँ, यही तो मामला जीत है। 10 में 8 कंफर्म। 80% लोग देते हैं, क्यों नहीं देंगे? जो हमारा काम हो रहा है, पानी मिल रहा है, सफाई हो रही है, तो क्यों नहीं देंगे? क्या चाहिए हमको और? अच्छा, मोहल्ले वगैरह में अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए, साफ सफाई होती है, सब कुछ विकास का हुआ है? हमें उससे अच्छा भी कोई नहीं है। हमें इस मोहल्ले का वो एक एक बच्चे को जानता है। विपक्ष रहेगा कि नहीं इस बार? विपक्ष विपक्ष माने 0 बाहरी प्रताप नंबर 1। क्या लगता है? एकदम सही मुन्ना भाई हमारे कह रहे हैं, एकदम सही, एकदम परफेक्ट जानते हैं। इस मोहल्ले का वोट यही मिलेगा, चाहे जो आ जाए, बड़ा नेता मुस्लिम आ जाए, कोई आ जाए, मगर मिलेगा भाजपा को वोट, वो भी व्यक्ति जिसको मिलेगा। चाहे मुस्लिम ही क्यों ना आ जाए, बेगम वार्ड से वो जीत के नहीं जा पाएगा, अगर हरिप्रताप है तो। हरिप्रताप का मामला फिट है। अरे वो बेहतरीन एक नंबर का आदमी है। अच्छा, युवा क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या राय है भैया? युवा की मेहरबानी है, वही ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, युवा हरिप्रताप को पसंद करते हैं? हाँ हाँ। क्या भाई, क्या लगता है? हरिप्रताप शोर है, इसको कोई कोई सके नहीं, एक पैसे का शोर है। युवा है, बात कर लेते हैं, आइए भाई। क्या क्या नाम हुआ साहब? मोहम्मद रईस। रईस जी, ये बताइए, हमारे अभी वाली साहब बात कर रहे थे, हरिप्रताप 1,001% जीते हुए प्रत्याशी है हमारे यहाँ के, सबसे धक्काड़ नेता है अपने यहाँ के। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यहीं पे कि अगर कोई मुसलमान भी आ जाए तब भी बेगम वार्ड से उनको कोई नहीं। देखिए, मुसलमान हिंदू से कोई वास्ता नहीं है, जो काम करता है वही जीतता है जी, जो काम करेगा वो जीतेगा, वही जीतेगा। अब ये समीकरण लोगों को बदलना पड़ेगा कि जातिवाद अब खत्म करना पड़ेगा। जातिवाद कब था? जातिवाद ये मीडिया फैलाती थी। जातिवाद कभी नहीं था, ये मीडिया फैलाती थी जातिवाद। हम लोग मिल के रहते हैं। हाँ, हम लोग एकदम मिल के रहते हैं, तो जनता के बीच में हल्ला बोलते हैं और उन्हीं का सरोकार करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। हम नेताओं के बीच में नहीं जाते हैं कि नेता जी के पास जाए, हम जनता के पास जाते हैं कि जनता क्या सोचती है। चाचा सुनिए, सुन लीजिए, क्या बात है, लोग कह रहे हैं आप हरिप्रताप जी बहुत खास आदमी नहीं, हम एक पब्लिक है, जनता है, समझे? और ये जो उन्होंने किया प्रतापगढ़ के लिए, आज से नहीं 25 साल तक हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय लड़े हो, चाहे वो क्या नाम है विधायक भी हुए हो, वो उन्होंने हमेशा जो है इस मोहल्ले के साथ और इस जो शहर के साथ हमेशा जुड़ाव के साथ काम किया। तो इसलिए बुलाया जाता है, वो आते हैं हमारे मोहल्ले में, कोई भी प्रोग्राम हो बुलाते हैं, आते भी है, छोटा छोटा काम भी आ जाते हैं। अच्छा, छोटा बड़ा काम कोई भी हो, हाँ, वो कभी ये नहीं सोचते कि जो है बड़ा आदमी है छोटा आदमी है। आपने आप गए निमंत्रण दिया, आपके घर वो हाजिर, तो उनके जैसा आदमी हमको थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, चाहे जहाँ से आ जाए। आप तो बाहर से आए, बड़े बड़े IPS PCS आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे, कोई जीते उतरेगा नहीं। अच्छा, जब तक हरिप्रताप है नगर पालिका, तक हरिप्रताप है तब तक कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, तब तक कोई नहीं जीतेगा, बिल्कुल कोई भी सिंबल। चाचा एक बार देखिए, भाई साहब हैं, मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से, सोच रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। चाचा क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, ये बताइए सलीम जी, क्या लगता है किसका माहौल है आपके यहाँ, भाजपा का है, सपा का है, क्या लग रहा है? यहाँ से तो हरिप्रताप जीतते हैं भैया, यहीं से हरिप्रताप ही जीतेंगे यहाँ से। हाँ जी, और विपक्ष क्या लगता है कि खत्म कि किसकी लड़ाई होगी, कि वोट का अंतराल कम कर ले, किसकी लड़ाई होगी? क्योंकि ये वैसे तो यहाँ पर मतलब समाजवादी थोड़ा बहुत वोट काटेगी बस वही, और उस हरिप्रताप ही का नहीं यहाँ से निकलना। अच्छा, और पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी इस बार स्टैंड कर रही है, और MIM भी है, तो क्या लगता है और कोई लड़ पाएगा कि नहीं हरिप्रताप? हरिप्रताप ने यहाँ पर यहाँ बेगम वार्ड के लिए बहुत सारे काम किया है, और मतलब हमारे ही मोहल्ले में पूरे शहर में नगर के अंदर उन्होंने बहुत काम किया हुआ। अच्छा, और हम लोग हरिप्रताप को जिताते आए हैं और जिताएंगे। उनके काम से खुश हैं? वो बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग जी। देखिए काका है, चश्मा लगा के नेता भी देखते हैं, चश्मा आप भी लगाए हैं, हम भी लगाए हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आप किस आईने से देखते हैं, क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? हरिप्रताप का है, वही काम किया है, उन्हीं को मिलेगा। आप चाहे जब जाइए, तुरंत सुनता है वो आपकी बात। अच्छा, वो जात पात नहीं देखता हरिप्रताप, वो दौड़ कराता है, बहुत सही आदमी है, उसी को वोट देंगे, वोट उसी को देंगे। हाँ। और विपक्ष पक्ष नहीं रहा क्या? हम किसी को नहीं जानते। अरे 20 प्रत्याशी उतरे हैं प्रताप होंगे, हम हरिप्रताप को जानते हैं, हरिप्रताप को देंगे। अच्छा, और कोई टिक नहीं पाएगा? नहीं, अब और बाकी हम किसी को नहीं जानते, हमारे वक्त पे काम आता है वही, ईद बकरीद हमेशा आता है मोहल्ले में, सबसे मिलता है, उसका क्या चाहिए। देखिए चाचा है, किनारे से खड़े होके सब लोगों की बात सुन रहे हैं कि देखें कि जनता क्या सरोकार कर रही है और किसे चुनना चाहती है। क्या नाम हुआ चाचा? तनवीर अहमद हमारा नाम। तनवीर जी, ये बताइए क्या लग रहा है, किसका माहौल बनाए हैं इस बार? हरिप्रताप चेयरमैन में, हरिप्रताप चेयरमैन, माहौल उनका बना हुआ है। अच्छा? हरिप्रताप बहुत अच्छा काम उन्होंने किया इस मोहल्ले के लिए, हम पूरे प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहे, हमारे इस मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अच्छा जी, हाँ जी, हरिप्रताप के अलावा शायद ही कोई निकल पाए, जब तक वो हैं खड़े रहेंगे, खड़े होंगे वही रहेंगे हमेशा। अच्छा। हाँ, और एक चाचा कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान भी प्रत्याशी आ जाए,
तो हर प्रताप के सामने नहीं टिक सकता। मुसलमान आया है एआईएम से आया हुआ है ना मुसलमान, उसका कहीं दूर दूर तक पता नहीं। आप लोग नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ना ना, अच्छा हाँ, हरी प्रताप दिल से बात नहीं ना। हाँ भाई, कोई भी प्रत्याशी हो हरी प्रताप जब तक जिंदा है कोई जीतेगा नहीं। हाँ, जब तक हरी प्रताप जिंदा है कोई नहीं जीतेगा। हिंदू मुसलमान से थोड़ा कोनो मतलब होता है। लीडर हमारा अच्छा है ना भैया? आदमी अच्छा है, उसी को हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा, लीडर अच्छा है? हाँ, लीडर अच्छा है, जो हमारे बीच में आता है, विकास करता है, काम करता है हर चीज में। कहिए ना, कहिए आपके बात। देखिए, इस प्रेजेंट माहौल में जो माहौल चल रहा है उस माहौल में हमारा प्रतापगढ़ बहुत सुरक्षित है। अच्छा, और उसकी एक वजह है कि हरी प्रताप, आप समझे, और यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ और जितनी भी कौमें हैं सब सुरक्षित है। अच्छा, और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ हरी प्रताप जी हैं। देखिए चाचा बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, इनसे बात कर लेंगे थोड़ा। तो चाचा एक बात, क्या नाम है? हमारा नाम रिजवान उल्लाह प्रतापगढ़। नई बस्ती, नई बस्ती है। अच्छा जी, नई बस्ती में रहते हैं। नई बस्ती तो तगड़ा माहौल रहता है, हमेशा चर्चा में रहती है काफी। बता रहे ना, जो कह रहे हैं हमारे भाई साहब वो कहे सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। किसके साथ हैं इस बार आप? हम तो किसी के साथ नहीं है, अकेले हैं इससे। हम फिर रहते ही नहीं बताया ना आपसे। अच्छा अच्छा, रहते नहीं है, आए होंगे प्रतापगढ़ दूसरे शहर से आए होंगे, किसी बड़े शहर में रहते हैं? हमारे मकान ही यहीं पे, यहाँ पे है। हम बाहर रहते हैं, अभी आए बस 10-15 दिन पे चले जाएंगे। तो विकास उकास हुआ है कि नहीं? 10-15 दिन में तो ओट होना है। क्या जाएंगे? क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं भाई। अच्छा, वोट करेंगे कि नहीं इस बार? अब जैसा मौका लगेगा। अपने मताधिकार का हनन करेंगे दादा? अब जैसे करेंगे वैसे करेंगे। 3 तारीख को है वोट, दे के जाइए अगर जाइएगा तो। देखेंगे फिर। 4 को है, दे के जाएंगे उसमें क्या? दे के जाइए, क्योंकि विकास चाहते हैं कि नहीं प्रतापगढ़ में? सबकी होगी, सबकी होगी। विकास प्रतापगढ़ का हो कि नहीं, विकास वही वही डेवलप करे ना। ठीक, आप वरिष्ठ हैं इतना ऐसे कहेंगे तो जो युवा है वो भी वोट कहेंगे कि हम चले जाएंगे मुंबई, हमको ये काम है, हमको वो काम है। अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो एक अच्छा नेता चुनेंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं आप। प्रॉमिस करिए कि वोट देके जाएंगे इस बार। देके जाएंगे, बस देके जाएंगे ना। देखिए ऐसे चाचा हैं, और कुछ युवाओं से बात करेंगे, लगातार हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। ये कुछ युवा थे जिनसे हमने बात की। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी, जय हिंद जय।